सेवाओं से जुड़े हुए हैं। एसीपी कृष्णानगर ने खुद मोर्चा संभाल रखा है, हम बात करेंगे एसीपी कृष्णानगर दीपक सर से। सर कितनी सख्ती है, दूसरा चरण चल रहा है सर, कितनी सख्ती उठती गई है? हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो टू व्हीलर्स पे हैं वो कल जरूरी सेवाओं वाला जिसको परमिशन दिए बिना पास के कोई ट्रेवल न करे, चरपहिया पे दो सवारी निकले केवल आगे और पीछे बैठ करके सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए। और ये हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि लोगों को साथ में अवेयर भी करते जाएँ कि लॉकडाउन आपके लिए ही है, और आज का प्रयास हम लोग का यही रहेगा कि मूवमेंट कम से कम कराएँ। सर बात की जाए मेडिकल से रिलेटेड लोगों को छूट दी गई है, और कौन कौन है जिनको छूट दी जा रही है यहाँ पे? जितने मेडिकल फैसिलिटी के लोग हैं, जिस हॉस्पिटल हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ वार्ड बॉय या उससे उन सेवाओं से जुड़े हुए लोग जो फार्मासिस्ट हैं उनको छूट दी जा रही है। साथ में एसेंशियल सर्विसेज वाले लोग हैं जिनको प्रशासन द्वारा रेड और ग्रीन कलर का पास इश्यू किया गया है उनको छूट दी जा रही है। ऐसे कुछ लोग भी हैं जैसे आप देख रहे हैं कि मृत संस्कार में शामिल होने जा रहे हैं, तो उनमें भी चार पाँच लोग ही कोई कहा जा रहा है जाइए, बाकी अवॉइड करिए कि वहाँ पर भीड़ भाड़ बढ़ाने के लिए। जिस तरह कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार राजधानी लखनऊ में भी बढ़ा है, उस तरफ जो पुलिस काफ़ी सख्त हुई है और लोगों को आग्रह भी कर रही है कि कम से कम लोग बाहर निकलें। भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।